गया है वापस किष्किंधा लौटने का। चलो वानर वीरो आगे बढ़ो। चलो वानर वीरो चलो आगे बढ़ो। कुछ तो करना होगा, किंतु यहां से जा भी नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? किसी ने महाराज सुग्रीव की मति को फेर दिया है। अवश्य ही किसी आसुरी माया के प्रभाव में है महाराज। महाराज विभीषण संकेत होकर यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। शुक्र श्री चुप जाओ। प्रभु श्री राम के कार्य में कोई बाधा नहीं आने देगा हनुमान। हनुमान हट जाओ मेरे मार्ग से। इस आसुरी माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मुझे योग विद्या का सहारा लेना होगा। ये दिव्य आभा असहनीय हो रही है। ये क्या है महाराज सुग्रीव पर ये कैसी छाया? मुझे इस दुष्ट वानर के तेज के समक्ष मेरा सम्मान प्रभाव कम हो गया है। प्रतीत हो रहा है जैसे महाराज सुग्रीव की तंद्रा टूट गई हो। कैसे हुआ ये? युवराज अंगद, जिस व्यक्ति के मूलाधार चक्रादि सातों कुंडलियां जागृत हो जाती हैं, वो असीम तेज से संपन्न हो जाता है। उसके समक्ष कोई भी आसुरी शक्ति टिक नहीं पाती। प्रभु श्री राम से भेंट करने के उपरांत हनुमान के भी सातों चक्र जागृत हो गए थे। मैं यहां रथ पर कहीं मैं वापस लौटने के लिए नहीं नहीं अवश्य मेरे साथ कुछ हुआ है। ये दोनों वही राक्षस हैं जो वानर का रूप धारण किए हुए हैं। इन्हीं की आसुरी शक्तियों के कारण महाराज सुग्रीव आप सम्मोहित हुए थे। समस्त सेना को वापस लौटने का आदेश दे रहे थे। भाग कर कहां जाओगे सखा? मुझे सम्मोहित करने का दुस्साहस किया तुम दोनों ने। तुम हमारे वानर योद्धाओं में से नहीं हो। अपना वास्तविक रूप धारण करो। बताओ कौन हो तुम? मेरे समक्ष तुम्हारी माया नहीं चलेगी। बताओ कौन हो तुम?
दोनों ने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कार्य करने के लिए मुझे विवश किया। वे तो मेरे मित्र, मेरे भ्राता ही नहीं, मेरे भगवान हैं। मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने का दंड मिलेगा तुम्हें। ये दोनों लंकेश रावण के गुप्तचर हैं, शुक और चारण। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मारो, मार दो इन्हें। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो, मार दो इन्हें। क्षमा करें वानर श्रेष्ठ, हम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे। क्षमा के योग्य नहीं तुम दोनों असुर, तुम्हें तो यही समाप्त कर देना चाहिए। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए तो शरणागत धर्म के अनुसार मैं उसे भी अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम मुझे क्षमा कर देंगे, वो बड़े दयालु हैं। नहीं, ये दोनों छल कर रहे हैं। प्रभु की सहृदयता और उनकी नीति का लाभ लेना चाहते हैं ये दोनों। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इन धूर्तों को अब नीति सिखाता हूँ। सारा छल, सम्मोहन, माया, सदा के लिए भूल जाएंगे ये धूर्त। इनका यही अंत कर दो। रुक जाओ सब, रुक जाओ। ये प्रभु श्री राम की शरण मांग रहे हैं, ऐसे में हम इनका वध करके प्रभु श्री राम की छवि धूमिल नहीं कर सकते। प्रभु इनके लिए जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। हाँ, प्रभु की सहमति के बिना हम इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। प्रभु श्री राम तो पूजा में लीन है। लक्ष्मण भैया, अब आप ही बताइए इन दुष्टों के साथ क्या करना है। हनुमान जी उचित कह रहे हैं, जब भैया श्री राम की पूजा और ध्यान संपन्न हो जाएगा, समुद्र देव प्रसन्न होकर हमें लंका तक जाने का मार्ग दे देंगे, तब भैया श्री राम ही इन दोनों के भाग्य का निर्णय करेंगे। तब तक इन दोनों को कड़ी निगरानी में रखना होगा। अब तो हवन सामग्री भी समाप्त हो गई माता, किंतु आपके दर्शन नहीं हुए। प्रसन्न हो जाइए माता निकुम्बला, दर्शन दीजिए। मेरे पास जो कुछ है सब आपको समर्पित है। हनुमान जी, भैया श्री राम की पूजा अपने चरम पर पहुंच रही है, किंतु समुद्र देव पर इसका कोई भी प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रहा हूं भ्राता लक्ष्मण, अभी तक समुद्र देव ने दर्शन क्यों नहीं दिए। माता निकुम्बला, आपको दर्शन देना ही होगा, अन्यथा आपके इस भक्त का मात्र जीवन शेष बचा है, इसे भी आपको अर्पित किए देता हूं।
मेघनाद, इष्ट देव और देवी अपने भक्त के जीवन के बलिदान से नहीं, उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तुमने सदैव अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। जय माता निकुम्बला, माता की जय हो। माता प्रसन्न हुई तो उसके भक्त का जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। इस बार तुमने विशेष रूप से उग्र पूजा की है मेघनाद, क्या विशेष चाहते हो तुम? माता, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। वत्स मेघनाद, मैं तुम्हारी रक्षा तो कर सकती हूँ किंतु अमरता का वरदान नहीं दे सकती, मात्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव? परंतु माता, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तो वर्षों तक घोर तप करना पड़ता है। तुम्हें कदाचित स्मरण नहीं है मेघनाद, जब तुमने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था तब ब्रह्मदेव ने उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें एक वरदान देने का वचन दिया था। तुम उसी वचन का लाभ उठा सकते हो। ब्रह्मदेव शीघ्र दर्शन देकर तुम्हें इच्छित वरदान दे सकते हैं। माता निकुम्बला, आपने तो मेरी समस्या का सहज ही समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। सफल मनोरथ भव। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव का आवाहन नहीं करूंगा मैं स्वयं ब्रह्मलोक जाऊंगा और ब्रह्मदेव को अपने वचन के अनुसार मेरा इच्छित वर देना ही होगा। आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पूर्वक विनति की, आदेश नहीं दिया, मैंने पूजा की, कठोरता नहीं दिखाई। इसीलिए उपेक्षा की है सागर ने मेरी आराधना की। मेरी पूजा और श्रद्धा का कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टि में। यहां पर उपस्थित वृक्ष, वानर, पक्षी, वृक्ष, आकाश में उपस्थित वो मेघ सब साक्षी हैं राम की आराधना के। राम के उस विनम्र निवेदन के जिसे ठुकराकर सागर ने अपनी निष्ठुरता का परिचय दिया है। ढीठ से प्रार्थना, कुटिल से प्रेम, निष्ठुर से विनती का कोई लाभ नहीं होता, उन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है। We'll be right back.
आज तक इस जगत ने राम की उदारता देखी है, अब ये निष्ठुर सागर देखेगा राम का कोप। सत्य है सागर, भय बिनो हो ही न पीति। तुम्हें मेरे कोप का भागी बनना होगा सागर। हे निष्ठुर सागर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस विशालता पर? सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से। यात्रा सफल हो, मंगलकारी हो मंगल मूर्ति हनुमान। समुद्र देव ने तो मुझे प्रभु के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया था, किंतु ये तो अनर्थ होने जा रहा है। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं प्रभु को? बस प्रभु, बस प्रभु, प्रभु त्याग दीजिए इस क्रोध को, अन्यथा आपकी ये क्रोधाग्नि सागर के साथ साथ इसमें निवास करने वाले सहस्त्रों सहस्त्र निरीह जीवों के जीवन को भी लील जाएगी। हाँ भैया, आप जैसे संयमी महापुरुष को मात्र सागर के हट के कारण इस प्रकार क्रोधित होना शोभा नहीं देता। हाँ प्रभु, अवश्य ही समुद्र देव की कोई व्यवस्था रही होगी, इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिए। अन्यथा जब मैं माता सीता को ढूंढने जा रहा था तो स्वयं समुद्र देव ने आकर मुझे सफलता का आशीर्वाद दिया था। हम शीघ्र ही समुद्र लांघने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढ लेंगे प्रभु। हे दया के सागर, हे करुणा निधान, विलंब से उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको तो ज्ञात ही है कि प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कोई सागर को लांघ नहीं सकता, किंतु आप समुद्र को लांघे जाने के लिए समुद्र को मार्ग देने का आग्रह कर रहे थे। यदि समुद्र अपने स्थान से हटा तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसका क्या उपाय हो सकता है? इसी सोच विचार में लगे होने के कारण से विलंब से उपस्थित हो पाया मैं। ब्रह्मदेव, आप मुझे दिए हुए वचन के ऋणी हैं, और उस ऋण को उतारने के लिए आपको दर्शन देना ही होगा। आप
आपकी क्षमा प्रार्थना तो उचित है, किंतु मुझे अपनी सेना के साथ सागर के पार लंका जाना है। यदि ये आपके स्वभाव के विपरीत है तो आप ही इसका समाधान बताइए। समाधान तो आप साथ ही लेकर आए हैं प्रभु। साथ लेकर आए हैं अर्थात? हाँ हनुमान, आपके मित्र नल। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही है। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, केवल धैर्य और सही सलाह की आवश्यकता होती है।